الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد معها تبي به المك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے اپ سب خیریت سے ہوں گے اور बेह के अरब बे तलमसलम ये दुआ है कि खुदा बंद मताल तमाम ममिनात को तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किल से महफूज रखे और तमाम रूहानी और जिसमानी बीमारियों से शिफा याब करे आज जो हमारे लेक्चर का मौजू है वो है गसल और जनावत के अहकाम अगर हम अपने लेक्चर को शुरू करें गसल से तो हमारे पास कुछ इबादत हैं जो खुदाबंद मताल ने हर मुकल्फ के ऊपर जो है वो वाजिब करी है उसी में से एक इबादत जो है वो है वाजिब वुसुल। वुसुल क्या है एक है ठीक है जो तहारत की किस्म में से एक तहारत बात है इस तरीके से तहारत जाहरी होती है कि आपके लिबास मिसाल के तौर पर नजस हो जाए खून से या किसी भी निजात से या ये कि मिसाल के तौर पर आपका कपड़ा किसी पेशाब वगैरह की निजात से नजस हो जाए तो आप उसको जो है वो पानी से पाक कर लेते हैं तो ये आपके ज़ाहिर पे जो निजात होती है उसको पाक करते हैं इस तरीके से कुछ बतरीन निजात होती है जो कुछ अफ़ाल के असर के तौर पर आपके ऊपर आती है तो उन अफ़ाल के असर से दूर करने के लिए ये तहारत खुदावंद मताल ने इंसान पर वाजिब किया उसी में से वजू है उसी में से गसल है उसी में से तयम है तो हमारे पास आज हमारी बहस जो है वो गुसल में है तो हमारे पास कुल आठ अफसार हैं जिनको शरीय ने वाजिब करा दिया अगर हम इसकी तरतीब शुरू करें तो सबसे पहला गुसल जो है वो है गुसल जनाबत जिसको हम आगे जाकर तफसील से बहस भी करेंगे इसके बाद जो दूसरा गुसल आता है वो है गुसल मैयत गुस्स मैयत यानी जब एक इंसान इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है तो फिर उसकी मैयत जो होती है उसका जो जनाजा होता है उसको गुसल दिया जाता है उसको ताहिर किया जाता है तीसरा गसल है गुसले मसे मैयत जब तक मैयत को गसल नहीं दिया जाता तो उसका बदन एक मुर्दार होता है नजिस होता है और अगर उसको कोई इंसान हाथ लगा ले तो उसके ऊपर जो गुसल आता है उस गुसल को कहा जाता है गुसले मसे मैयत तो जब तक मैयत को गुसल नहीं दिया जाएगा और इंसान अगर उस मैयत को हाथ लगा ले तो जो उस पर गुसल आएगा उसको कहा जाएगा गुसले मसे मैयत तो गुसले मैयत एक इंसान जो दुनिया से चले जाए उसका जो उसको जो गुसल देंगे वो गुसले मैयत होगा और अगर उसको गुसले मैय देने से पहले कोई इंसान उस मैत को हाथ लगा ले तो उसके ऊपर भी एक गुसल गाजिब हो जाएगा जो गुसले मसे मैय होता है इसके बाद हम आगे चले तो तीसरी किस, चौथी किस्म जो गसल की है वो है नजर कसम वगैरह के वजह से वाजिब होने वाला गसल नजर क्या होती है नजर जिस तरीके से हम लोग नजर मानते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारा फला काम हो गया तो मैं खुदा की खातिर फला काम करूंगा मिसाल के तौर पे मैं पेपर में पास हो गया तो मैं खुदा की खातिर गसल करूंगा तो ये नजर नजर कसम और दूसरी चीजें जिसमें अहद भी आता है शामिल है अगर आपने इस तरीके से कोई नजर मानी है तो उसकी वजह से जो गोसल आपके ऊपर आया है वो गोसल आपको वाजिब गुसल की नियत से करना होगा ये था चौथा गुसल पांचवा गुसल है जब चांद या सूरज को मुकम्मल घर लगाओ क्या मतलब आपने चांद और सूरज को जब ग्रहण लगता है तो आपने देखा होगा जब सूरज को गिरण लगता है तो सूरज बिल्कुल ब्लैक हो जाता है इसी तरीके से जब चांद को ग्रहण लगता है तो चांद मुकम्मल ब्लैक हो जाता है कभी कभार ऐसा होता है कि सूरज और चांद को घृण लगता है लेकिन वो मुकम्मल ब्लैक नहीं होता बल्कि ये कि वो आधा ब्लैक होता है पार्सली ब्लैक होता है पूरा ब्लैक नहीं होता है कभी 70%, कभी एटी परसेंट जब मुकम्मल चांद को और सूरज को गिरन लग जाए और उसके बाद आपके ऊपर नमाज आयात वाजिब हो जाए और आप नमाज आयात जान बूझ कर कजा कर दें जब आप नमाज आयात को जान बूझ कर कजा कर दें तो उसके बाद जो है वो आपको उस नमाज आयत की कजा के लिए गुसल करना पड़ेगा यानी ऐसा नहीं है कि चांद को गिरन लगा या सूरज को गिरन लगा तो आपको जो है वो गुसल करना है बल्कि चांद को या सूरज को जब मुकम्मल गिरन लगता है या आधा गिरन भी लगता है तो आपको नमाज आयत पढ़नी होती है लेकिन जब चांद और सूरज को मुकम्मल गिरन लगे और आप जो है वो नमाज आयत को जान बुझ कर कजा भी कर दें ऐसा भी नहीं कि गलती से कजा हो गई या भूल गए नहीं जान बुझ कर कजा करें तो अब उस नमाज कजा की जो आपको अः नमाज आयत की जो आपको कजा करनी है उसके लिए आपको जो है वो गुसल करना पड़ेगा ये हो गया हमारे पास पांच अक्सर छठा जो है वो है खातिन के गसल हैं गसल हैजल नफास् और गसल इसहाजा ये चंद अकसाल जो तीन अकसाल हैं ये खवतिन से इनका मसला ख़ास है जो खातिन पर ख़ास हालतें आती हैं उन ख़ास हालतों में ये तीन अकसाल जो हैं वो खातिन के साथ खास होते हैं तो यूं हमारे जो है वो आठ अकसाल जो हैं वो कम्प्लीट हुए अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम जनाबत के अहकाम को शुरू करते हैं सबसे पहले जनाबत जिस शख्स पर तारी होती है उसको कहा जाता है मुजनिब ठीक है जैसे एक शख्स के पास अगर इल्म होता है तो क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है आलिम ठीक है तो इसी तरीके से जब किसी शख्स पर जनाबत की हालत तारी हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है मुजनिब ठीक है इंसान मनी निकलने से इंसान जो है वो मुजनिब हो जाता है सही अब ये मनी जो है चाहे ख्वा नींद की हालत में निकले या जागते में निकले कम निकले या ज्यादा निकले शहवत के साथ निकले या शहवत के बगैर निकले इख्तियार से निकले या इख्तियार के बगैर निकले ठीक है या बे निकले इन तमाम सूरत में वो मनी का हुक्म रखती है अच्छा अब मनी जो है वो क्या होती का है निकलती कहाँ से है तो जो शर्मगा का मकाम होता है इंसान का जहाँ से वो तो पेशाब उसका खारिज होता है पेशाब की जो रुतूबत जिस मकाम से खारिज होती है उसी मकाम से मनी की रुतूबत भी उसी मकाम से खारिज होती है अब वो चाहे नींद की हालत में निकले चाहे आप शहवत के साथ निकले नींद की हालत तो वाजह है ठीक है इख्तियार की हालत भी वाज है ठीक है शहवत क्या होती है शहवत एक लिज्जत होती है जो इंसान को उसके मुखालिफ जिन्स से उसके दिल में उसके मुखालिफ जिन्स की जो लिज्जत होती है वो उभरती है उसको कहा जाता है शहवत तो चाहे वो नींद में निकले चाहे शहवत के साथ निकले शेहब के बगैर निकले इख्तियार से निकले इख्तियार के बगैर निकले ये तीनों चीजों से वो मनी कहलाती है अब अगर हम आगे बढ़े तो अगर एक इंसान मिसाल के तौर पर मशकोक हो जाए कि उसके मकाम पेशाब से एक रुतूबत खारिज हुई है जो उसको समझ नहीं आ रहा क्योंकि एक रुतूबत होती है पेशाब एक रुतूबत होती है मनी इसके अलावा तीन रुतूबतें और भी होती हैं इसको वजी मजी और वजी कहा जाता है तो अब इंसान को समझ नहीं आ रहा कि ये पेशाब है मनी है वजी है या मजी है ये कौन सी रुतूबत है तो वो कैसे पहचाने कि ये कौन सी रुतूबत है तो उसके लिए क्या है उसके लिए यह है कि उसकी शर्त यह है कि अगर उसके अंदर वो रुतूबत शहवत के साथ निकली हो उछल कर निकली हो और उसके निकलने के बाद बदन सुस्त हो गया हो ये तीनों शरात उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए एक साथ ऐसा नहीं हो कि जिससे शहवत हो उछल कर ना निकले या उछल कर निकले शहवत ना हो शहवत तो उछल कर तो निकले लेकिन बदन सुसना हो रहा अगर तीनों में से कोई एक शर्त भी नहीं मौजूद उस रुतूबत के अंदर और हमें शक हो रहा है कि वो पेशाब है मनी है या कोई और रुतूबत तो फिर वो मनी का हुक्म नहीं रखेगी लेकिन हाँ अगर ये तीनों शराब उसमें मौजूद है तो फिर वो जो है मनी का हुक्म रखेगी शहवत के साथ क्या मतलब शहवत मैंने आपको पहले समझा दिया शहवत एक लिजत को कहते हैं एक फरहत को कहते हैं ठीक है जो इंसान के दिल में वो एक लज्जत को महसूस करता है एक फरहत को महसूस करता है एक मजे को महसूस करता है और अपने मुखालिफ जिन से अगर मर्द होता है तो औरत से और औरत, होता है तो औरत होती है तो मर्द की नस्बत वो इस लज्जत को महसूस करती है इसको कहा जाता है शहवद उछल कर निकले ये भी वाजह है और उसके निकलने के बाद आपका बदन जो है वो सुस्त हो जाए ठीक है तो अगर ये तीन हालतें उस मनी के उस रुतूबत के अंदर मौजूद है तो फिर हम उस रुतूबत के ऊपर मनी का हुकुम लगाएंगे ये हो गई जब इंसान जो है वो मशकूक हो लिहाजा अगर इन अलामत में जो कुछ भी मौजूद ना हो तो रुतूबत मनी का हु नहीं रखेगी इसके बाद यह मनी का इस्तवरा इस्तरा क्या होता है इसतरा यह होता है कि मिसाल के तौर पर अब आप मनी आपकी उस मकाम से निकल गई ठीक है अब आपने जो है वो गसल करना है ठीक है मिसाल के तौर पर आपने गसल किया और गसल करने के बाद आपको दोबारा उस मकाम से एक रुतबत निकली अब आपको शक हो रहा है एक दफा तो ये कि आपको यकीन हो जाएगा कि ये पेशाब है या मनी तो तो मसला नहीं अगर वो पेशाब है तो उस पर पे पेशाब के अहकाम तारी होंगे मनी है तो उस पर मनी के अहकाम तारी होंगे और आपको गुसल जनाबत करना पड़ेगा लेकिन अगर आपको गसल कर लिया आपने अब आपको शक हो रहा है कि ये पेशाब है या मनी है तो क्या करें तो उसके लिए कहते हैं कि पेशाब मनी निकलने के बाद इंसान उसका इस्तेबला करे यानी इंसान मनी का इस्तला इस तरीके से होता है कि वो मनी निकलने के बाद इंसान पेशाब कर ले ताकि उसे ये यकीन हो जाए कि उसके उजू तनासल में यानी उसके मकाम पेशाब में कोई मनी का कतरा बाकी नहीं रहा है तो अगर उसको गसल करने के बाद अब अगर उसके उस मकाम से मनी निकली या उस रतूबत निकली अब उसको शक हो रहा है कि पेशाब या मनी तो क्योंकि उसने पहले पेशाब कर लिया था और यकीन हासिल हो गया था कि अब कोई मनी उसके अः उसके मकाम पेशाब में बाकी नहीं है तो अब जो है वो रुतूबत जो है वो मनी का हुक्म नहीं रखेगी और उसके ऊपर गुसल जो है वो वाजिब नहीं होगा अगर कोई मनी का इस्तरा ना करे जैसे कि आपके सामने स्लाइड चल रही है कि अगर कोई मनी निकलने के बाद पेशाब ना करे और गुसल के बाद पेशाब के मकाम से कोई रुतूबत निकले जिसके बारे में मालूम ना हो कि मनी है या कोई और रुतबत तो वो रुतुबत मनी का हुम रखेगी लेकिन अगर पेशाब कर लिया होगा उससे पहले तो फिर वो मनी रुतबत का हुक्म नहीं रखेगी अब हम आगे बढ़ें तो हम मुजनि के ऊपर कुछ चीजें हराम होती हैं हमने ये पढ़ लिया कि मुजन कौन होता है जिसके ऊपर जनाबत की हालत तारी हो जाए जिसके मकाम पेशाब से मनी खारिज हो और फिर मनी को पहचानने के हमने तरीके भी पढ़ लिये कि अगर किसी को शक हो रहा हो कि मनी है या नहीं है तो क्या करेगा वो वो देखेगा कि वो शहवत के साथ निकली है उछल कर निकली है और उसके निकलने के बाद बदन सुस्त हो गया है तो फिर वो मनी का हुक्म रखेगी लेकिन कुछ चीजें जब इंसान जब जनाबत की हालत उस पर तारी हो जाती है तो कुछ चीजें इंसान के ऊपर हराम हो जाती है और वो कुल पांच चीजें हैं सबसे पहली चीज क्या कि मुजनिब के लिए बदन का कोई हिस्सा मुजनिब के बदन का कोई भी हिस्सा कुरान मजीद के अल्फाज या किसी भी जबान में लिखे हुए अल्लाह के नाम से अगर वो मस्त करेगा तो ये मस्त करना उसका हराम है क्योंकि उसके ऊपर जो है वो एक नजासत तारी हुई है एक बाहतरी नजासत तारी हुई है वो अभी ताहिर नहीं हुआ है तो उसके लिए कुरान को हाथ लगाना या कुरान मजीद के किसी भी अल्फाज को हाथ लगाना या अल्लाह के किसी भी अलफाज को हाथ लगाना अल्लाह के नाम के चाहे वो किसी भी जबान में हो चाहे अरबी में हो चाहे उर्दू में हो चाहे फारसी में हो चाहे इंग्लिश में हो ये लगाना उसके लिए हराम है इसके अलावा मुजनिफ को अंबिया आलैम के नामों को छूना भी बेहतर है कि वो अम्बिया आलैम के नामों को ना छूड़े ठीक है कि अम्बिया आयमा आयुम्सम और हजरत जहरा सलाम्ला के नामों से भी अपना बदन मस ना करे ये बेहतर है इसके बाद मुशनब पर दूसरा हराम क्या है मुशनब पर जो दूसरा हराम है वो है मस्जिद और मस्जिद नबी मस्जिद मस्जिद जो मक्का के अंदर है और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना के अंदर है इन दोनों मस्जिदों के अंदर जाना जाना जो है वो बिल्कुल हराम है यानी ये बात नहीं कर रहे कि मस्जिद में जाकर रुकना हराम है या मस्जिद में से एक दरवाजे से गुजर दूसरे दरवाजे से निकल गए ये हराम है नहीं मुतलकन मस्जिद में जाना ही हराम है हुआ एक दरवाजे से दाखिल हो और दूसरे दरवाजे से निकल आए इसके बाद जो तो तीसरा हराम है वो क्या है तीसरा हराम मुजनब के लिए है कि वो मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरी मसाजिद में ठहरे के बिना पर एहतियाती हराम ठहरने का भी यही हुक्म है पीछे हमने कहा था कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में जाना ही मतलकन हराम है ठीक है लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबी के अलावा जो दूसरी मसाजिद है मिसाल के तौर पर हमारे मोहल्ले की मसाजिद या हमारे शहर की मसाजिद या दूसरी जो मशहूर मसाजिद हैं उनके अंदर जा तो सकता है वो लेकिन ये क्या उसके अंदर रह नहीं सकता ठीक है यानि उसके अंदर जाकर ठहर नहीं सकता ये एहतियात और इसी तरीके से एहतियात वाजिब की बिना पर अमा आलम स्लम के हरम में भी ठहरने का यही हुक्म है कि वो मसाजिद में जा सकता है जाए और एक दरवाजे जाकर दूसरे दरवाजे से गुजर जाए ये तो कर सकता है लेकिन ये कि उस मस्जिद के अंदर ठहरना जो है वो सही नहीं है इसके बाद अगला है लेकिन अगर मस्जिद कोबूर करें तो मैंने आपको बता दिया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है चौथा मुजनिब पर जो चीज़ हराम है वो वो क्या है? वो ये है ये कि मुजनिब कोई चीज उठाने के लिए मस्जिद में दाखिल हो एजम की जहाँ पर कोई चीज मस्जिद में रखना खुवा दाखिल ना भी हो पहले हमने क्या कहा कि मस्जिदी और मस्जिद में मतलकन दाखिला होना हराम है दूसरा हमने ये कहा कि मस्जिद हराम हो मस्जिद नबी के अलावा दूसरी मसाजिद के अंदर जा तो सकता है लेकिन ठहर नहीं सकता यानी एक गेट से जाए और दूसरे गेट से निकल जाए ये सही है लेकिन ठहरना हराम है और यही हुक्म फिर आईमा के हरम अथार के बारे में भी हाँ चौथा क्या है कि मस्जिद में जाना तो जायज था लेकिन अगर वो मस्जिद में कोई चीज उठाने के लिए जा रहा है तो फिर ये उसके लिए हराम हो जाएगा मिसाल के तौर पर सजदगा मस्जिद में पड़ी हुई है वो उठाने के लिए जा रहा है या ये कि वो अपना मोबाइल मिसाल के तौर पर मस्जिद में फूल गया था या कोई भी चीज़ मस्जिद में पड़ी हुई है और वो चीज मस्जिद से उठाने के लिए जा रहा है तो ये उसके ऊपर जो है हराम है वो मस्जिद में उठा किसी चीज को उठाने के लिए जा नहीं सकता इसी तरीके से ये तो था वाजिब एहतियात लाजिम के बिना पर कोई चीज मस्जिद में रखना हुआ दाखिल ना भी हो ठीक है एक दफा क्या होता है आप कोई चीज़ उठा रहे हैं मस्जिद से और एक दफा क्या आप कोई चीज मस्जिद से उठा नहीं रहे बल्कि कोई चीज मस्जिद में जाकर रख रहे हैं दोनों हराम है फर्क क्या है के उठाने में जब कोई चीज आप उठा रहे थे तो वहां पर फतवा है एहतियात नहीं फतवा और एहतियात में क्या होता है इनशाला आप जो है तकलीफ के बाप में पढ़ेंगे कि फतवा और एहतियात में क्या होता है कि फतवा जब मुश्त देता है तो उस, उसके ऊपर वो हंड्रेड एंड टेन परसेंट कहता है कि ये चीज आपके ऊपर हराम है लेकिन एहतियात में क्या होता है वो हंड्रेड एंड टेन परसेंट ये नहीं कहता कि ये चीज आपके ऊपर हराम है बल्कि वो कहता है कि एहतियातन हराम है क्योंकि उसके पास जो दलाइल होते हैं जिन कुरान और सुन्नत से जिसने उसे फतवा दिया होता है वो हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं होता इसलिए वो एहतियात लगाता है इसी वजह से हम एहतियात में मर, जो दूसरा मर्जे होता है जो फल आलम होता है उसकी तरफ हम रुजू करते हैं ये चीज आप इनशाला तकलीफ के बाद में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तो फर्क ये है कि मस्जिद में कोई चीज रखने के लिए दाखिल होना ये हराम है लेकिन कोई कोई चीज मस्जिद में अः उठाने के लिए दाखिल हो ये हराम है लेकिन कोई चीज मस्जिद में रखने के लिए दाखिल हो तो ये एहतियात लाजिम की बिना पर हराम है ये हो गया चौथा हराम पांचवा क्या हराम है मुजनिब के ऊपर के मुजनिब जो है वो वाजिब सजे वाली जो आयत है वो उनमें से किसी एक आयत का पढ़ना वाजिब सजे वाली आयत कौन कौन सी है सबसे पहले सूर्य सजदा आयत नंबर पंद्रह सूर्य फुसलत आयत नंबर थर्टी सेवन सूर नजम आयत नंबर फोर्टी सिक्स 42 और सूर्य अलग आयत नंबर 19 ये जो चार आयतें हैं ये कुरान के वाजिब सजदे की आयतें हैं इनशाला आपको पता होगा कि वाजिब सजदे वाली आयत कौन सी होती है कुरान के अंदर कुछ मकामा पे ऐसी आयतें हैं जिनको अगर हम पढ़ें या कोई इस आयत को सुने तो उसके ऊपर सजदा वाजिब हो जाता है और कुछ आयतें ऐसी हैं कि जिनको पढ़ें या सुने तो सजदा मुस्तहब हो जाता है तो जिन आयतों की वजह से सजदा वाजिब हो जाता है वो सूर्य सजदे की आयत नंबर पंद्रह सूर्य फसलत की आयत नंबर सैतीस सूर नजम की आयत नंबर फोर्टी टू और सूरग की आयत नंबर 19 है, ये चार आयतें वो हैं जिसके पढ़ने की वजह से इंसान के ऊपर सजदा वाजिब हो जाता है ये कुल पांच चीजें थी जो मुजनेब के ऊपर इन अफआल को करना हराम है यहाँ पर मैं एक इखलाके नुकता आपके आपको देना चाहता हूँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर देखें दूसरा नुकता क्या था सबसे पहला दूसरा हराम जो हमने पढ़ा कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में जाना हराम है फिर हमने पढ़ा कि मस्जिद नबी और मस्जिद हराम के अलावा दूसरी मसाजिद में जाना वो भी हराम है ठीक है फिर हमने पढ़ा कि यानी दूसरी मसाजिद में ठहरना हराम है फिर हमने इसी तरीके से पढ़ा किसी मस्जिद में कोई चीज़ उठाने के लिए जाना ठीक है और इतिहास लाजिम के नाम पर ये हुक्म किसी मस्जिद में कोई चीज रखने का भी है तीन जो हराम थे वो मसाजिद से मुतलित थे मसाजिद वो जगह है इस जमीन पर खुदा की वो जगह है जहां पर इंसान जो है वो खुदा की इबादत करता है और जब आप मिसाल के तौर पे आप भी जब किसी के घर जाते हैं किसी के घर दावत में जाते हैं तो सामने वाला मेहमान ये बात पसंद नहीं करता कि उस आ, सामने वाला मेजबान ये बात पसंद नहीं करता कि उसका मेहमान जो है वो गंदे कपड़े पहनकर या आ, उसकी हालत जो है वो साफ सुथरी ना हो और वो अच्छा लिबास ना पहना हो और गंदा हो उसमें से बदबू आ रही हो और वो मस्जिद और उसके घर पर वो मेहमान बनकर आ जाए तो जब आम मेजबान ये पसंद नहीं करता तो खुदा का घर जो खुदा मेजबान है और मस्जिद खुदा का घर है तो खुदा कैसे पसंद करेगा कि एक शख्स जो नजिस है वो मेरे घर पर आए इसलिए मस्जिद का जो एहतराम है वो बहुत ज्यादा है मस्जिदों को खुदा का घर कहा गया है मस्जिदों को खुदा का नूर कहा गया है मस्जिदों को खुदा का जो है वो एक तरह से खुदा उसमें आपको दावत देता है कि आप उसके पास आए मैं कुछ अदीस आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कुछ आदाब है मस्जिद के ठीक है मस्जिद के आदाब में से क्या है कि मस्जिद में दाखिल होते के दो कर नमाज पढ़ी जाए ये मस्जिद के आदाब में से है इसी तरीके से मस्जिद के आदाब में से क्या है कि मस्जिद मस्जिद में किबला रुख होकर बैठा जाए इसी तरीके से क्या है कि मस्जिद में जाकर हमद खुदा की जाए दरूद पढ़ा जाए इसी तरीके से मस्जिद के आदाब में से क्या है कि हमद खुदा की जाए मस्जिद में तहारत के साथ रहना देखे मस्जिद में तहारत के साथ रहना इसी तरीके से मस्जिद को पाक साफ रखा जाए मस्जिद में चिराग रोशन किया जाए मस्जिद में जाने से पहले खुशबू लगाई जाए ये वो आदाब है जो इसका ख्याल इंसान को मस्जिद में रखना चाहिए इसी तरीके से कुछ मकरूहत हैं जिसको इंसान को नहीं करना चाहिए जैसे कि मस्जिद में सोना ये मकरू है इस तरीके से दुनियावी उमूर के बारे में बातें करना ये मकरू है इस तरीके से मस्जिद में थूकना ये मकरू है बलगम फेंकना ये मकरू है किसी की गुमशुदगी का ऐलान कराना लेकिन बुलंद आवाज में यह मकलूह है तो इस तरह के कुछ आदाब और कुछ मकरूहत हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए क्योंकि मस्जिद को मकाम है जिसको खुदात ने अपने साथ खास किया है तो ये कुछ मुस्तबात थे कुछ आदाब थे कुछ मकरूहत से थे जिसकी इंसान को परहेज करनी चाहिए और इन तमाम चीजों को उसको अपनी जिंदगी में लागू करना चाहिए अब हमने पढ़ लिया कि मुजनिब के जो चीजें मुझने पर हराम थी वो अब कुछ मकरूहत हैं जो मुजनब के ऊपर हराम है उनमें से पहले जो दो मकरू है वो है खाना और पीना ये दो चीजें जो है, वो एक इंसान पर जब वो मुजनब हो तो उसके ऊपर ये दो चीजें मकरू होती हैं लेकिन अगर मुजनप हाथ मुंह धो ले और कुल्ली कर ले तो फिर उसके ऊपर से जो है ये दोनों चीजें मकरू नहीं रहती और अब वो खाना और खा और पी सकता है इसी तरीके से लेकिन अगर वो दोनों अगर सिर्फ हाथ धो ले तो इन कामों की कराहत कम हो जाती है जैसे मकड़ू मकड़ू के अंदर भी रुतबा होता है ये ज्यादा मकरू है ये कम मकड़ू है तो ज्यादा मकड़ू क्या है कि मिसाल के तौर पर इंसान जो है वो हाथ मुंह धोए बगैर और कुल्ली के बगैर जो है वो खाए और पिए ये मकड़ू है लेकिन अगर वो सिर्फ हाथ धो लेता है ठीक है तो इस काम की कराहत कम हो जाती है यानी ये कम मकरू हो जाता है इसी तरीके से जो तीसरा मकरू है वो क्या है वो ये है कि वाजिब सजदे वाली आयत के अलावा सात से ज्यादा आयत की तिलावत करना ठीक है के मशहूर की निगाह में मशहूर की निगाह का क्या मतलब यानी ये कि फुकाहा की नजदीक के नजदीक ये चीज़ वाद मकरू साबित नहीं है लेकिन ये मशहूर फुकाहा ने कहा है कि ये चीज मकरू है तो हमें इस चीज़ से भी बचना चाहिए हमने पीछे क्या पढ़ा था वाजिब सजे वाली जो आयत है उनका पढ़ना हराम है उन वाजिब सजे वाली आयत के अलावा कोई भी कुरान की सात आयतें पढ़े ये जो है वो इंसान पर मकरूह है गुस्ल जनाबत करने से पहले इसके बाद चौथा मकरूह क्या है चौथा मकलू यह है कि मुजनिब अपने बदन का कोई भी हिस्सा कुरान मजीद की जिल्द कुरान मजीद का हाशिया कुरान मजीद के अल्फाज की दरमियानी जगह से मस करे क्या मतलब यानी मुजनिब जो है हमने पहले क्या कहा था कि कुरान मजीद को हाथ लगाना ठीक है और इसी तरीके से अल्लाह के नाम को हाथ लगाना और इसी तरीके से आइम आलम के नामों को हाथ लगाना बेहतर है कि हाथ ना लगाए ये चीजें हराम थी लेकिन अब कुरान मजीद की जिल्द को हाथ लगा रहा है मिसाल के तौर तो पर कुरान तो मजीद में जो अल्लाह के नाम तो या कुरान मजीद की आयत को हाथ नहीं लगा रहा लेकिन उसकी जिल्द होती है जिसमें कुरान मजीद जो है इसकी बाइंडिंग हुई हुई होती है उसको हाथ लगा रहा है या ये कि कुरान पे एक पेज है उसमें आयतें लिखी हुई है और साइड पे कुछ जगह होती है जो खाली होती है उनको हाथ लगा रहा है या ये कि कुरान मजीद के अल्फाज के दरमियान जो थोड़ी थोड़ी जगह बच जाती है उसको हाथ लगा रहा है तो ये करना भी उसके ऊपर मकरू है पांचवा मकरू क्या है कि मुझने अपने साथ कुरान मजीद को साथ रखे ये भी उसके ऊपर मकरू है यानी सारी चीजें वो है जो अल्लाह ताला पसंद नहीं करता कि इंसान के ऊपर जब एक नजासत की हालत तारी हुई हुई है एक अगरचे वो जहरी नजासत नहीं है लेकिन ये कि उसको एक उसकी एक बातनी नजास्त उसके ऊपर आई हुई है तो वो सारे वो काम ना करे जो उसको खुदा से करीब कर रहे होते हैं छठा मकरू क्या है छठा मकड़ू यह है कि इंसान का सोना जनाबत की हालत में गुसल ना करे और सो जाए यह इंसान के ऊपर मखरू है इसी तरीके से अगर मुजनिब वजू कर ले या पानी न होने की वजह से गुसल के बदले तैमन कर ले तो यह मकरू हट जाता है जैसे हमने पीछे क्या कहा था कि खाना और पीना मकरू है लेकिन अगर इंसान इस काम को हाथ मुंह धो ले और कुल्ली कर ले या सिर्फ हाथ धो ले तो ये इसकी कराहत कम हो जाती है इसी तरीके से सोना मकरू है लेकिन जब इंसान बुजू कर ले या पानी ना होने की वजह से वो गुसल के बदले तैयाम कर ले तो ये मकरू फिर नहीं रहता इसके बाद सातवां मकरू क्या है सातवां मकरू ये है कि अः जो है वो हिना वगैरह से खिजाब करे हिना यानी क्या मेहंदी वगैरह इस तरह की जो चीजें होती है इससे खिजाब करे खिजाब का मतलब क्या होता है अपने बालों के ऊपर रंग करे अपने बालों को सिा करे ठीक है या अपनी डाडी को सिया करे अपनी डाडी पे रंग करे इसको कहा जाता है, है खिजाब तो ये करना भी इंसान के ऊपर मकरू है आठवा और नवा मकरू क्या है कि मुझने अपने बदन पर तेल मले ठीक है यानी वो तेल के जरिए जो है वो अपने बदन के ऊपर मिसाल के तौर पे अपने मालिश करे ठीक है या अपने जिसम के ऊपर तेल लगाए ठीक है या अपने बालों में तेल लगाए तो ये चीजें जो है वो इंसान के लिए मकरू है।, है वो क्या है आ, कर बाद जिमा करना ठीक है मुजनिब के लिए एहतलाम के बाद जिमा करना ये भी जो है इनशा उम्मीद है कि आपको आज का दर्ज जो है वो वाजे हुआ होगा खुदा वंदे मुताल से दुआ है कि खुदा वंदे मुताल हमें हासिल करने की और उसके ऊपर अमल पैदा होने की तोफ़ी कथा फरमाए इसी सूर्य की गुजारिश है तमाम मोमिनो मोमिनात के लिए ठीक है और इसी तरीके से तमाम महरूम के लिए खसूस महरूमा मुमताज बानो महरूम मोहम्मद अली नूर मोहम्मद महरूम मरियम बाई जोजा मोहम्मद अली महरूम अब्दुल हुसैन अलाउद्दीन महरूम सकीना बाई जोजा अब्दुल हुसैन महरूम गुलाम कासिम अली और महरूम मोहम्मद हुसैन हिमानी के लिए بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين